हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 8th टॉपिक चल रहा है अपना अंडरस्टैंडिंग द क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 9 तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले 8 क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज 12.1 अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिन्हें का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के विच की कह रहा है, फाइंड एक्स। अपना एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन ट्रेपीजियम गिवन है, इस तरह की कुछ शेप है, सौखा जहा क्वेश्चन है। बिल्कुल नेम दे दो, ए बी सी एंड डी। ए अपने को 129 एंड दैट वन इज एक्स, ए चीज गिवन है। आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी की होंगी है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी, वन साइड इज पैरेलल, वन पेयर इज पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ए बी पैरेलल टू सी डी, सॉरी ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी। उस तो बाद की आ गया, एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल सी प्लस एंगल डी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। वाई एक एंगल होंगे को इंटीरियर एंगल, ओके, जो एडजसेंट एंगल भी कहने आप, पर की कहेंगे आप को इंटीरियर एंगल्स। तो देखो एक्स नू ते 129 नू जो तुसी ऐड करोगे, दैट मीनस इन ए बी सी डी एक्स प्लस 129 इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। केड़े एंगल आ गए अपने को इंटीरियर एंगल्स, जो 129 है राइट साइड जाके की होएगा माइनस। सो अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 129, सो एक्स इज इक्वल टू 51 डिग्री, ओके। जो प्रॉपर्टी आप फॉलो की है, दैट इज ए बी ए प्लस बी इक्वल टू 180, एंगल सी प्लस डी इक्वल टू 180, वाई बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स, ओके। सो आप एक्स प्लस 129 180 इक्वल रखिया, सो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 51 डिग्री। नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन, नैक्सट है अपने को सैकेंड क्वेश्चन, सैकेंड पार्ट है इनका। अपन ट्रेपीजियम गिवन है, इस तरह की कोई शेप है अपने को, नेम देता ए बी सी एंड डी। ए अपने को 138 एंड दैट एंगल इज इक्वल टू एक्स, अगेन ट्रेपीजियम है। तो आप लिखांगे इन ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल डी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल डी का दे इक्वल है 180 डिग्री। ए दो में एंगल है, देखो ए आपस दे विच इस तरह है, ठीक है, ए लाइन इन पैरेलल है, ए वाले एंगल होंगे, ये एंगल की होंगे को इंटीरियर एंगल्स, ओके। पैरेलल लाइन ते ट्रांसवर्सल आप पढ़ चुके हैं पहला 7th क्लास दे विच, ठीक है। तो ए वाली प्रॉपर्टी आप फॉलो करांगे, तो इतने लिखांगे कि को इंटीरियर एंगल्स। सो अपने को कितना आ गया, एक्स की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है एक्स, तो डी की वैल्यू कितनी है 138 इज इक्वल टू 180। जो ए है उनकी वैल्यू एक्स, जो डी है उनकी वैल्यू 138 इक्वल टू की आ गया 180। जो 138 है प्लस द राइट साइड जाके माइनस, सो एक्स कितना आ गया अपने को 180 माइनस 138, सो माइनस करो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42 डिग्री, ओके। सो जो अपना एक्स है दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री। केड़ी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, मैं बार बार दस रहा, को इंटीरियर एंगल्स, ओके। को इंटीरियर एंगल कितने अप्लाई होंगे, दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल दे विच, ओके। सो नेक्स्ट सी पार्ट है अपने को, डी चार पार्ट है, आप सारे कवर करांगे। लास्ट क्वेश्चन है 12.2 एक्सरसाइज का। एक और अपन ट्रेपीजियम गिवन इस तरह का कुछ, जिंदा नेम देने ए बी सी एंड डी। तुसी कुछ भी नेम दे सकते हो, पी क्यू आर एस ए बी सी डी डी ई एफ जी, कुछ भी नाम दे सकते हो तुसी। ए अपने को 56 है, ए अपने को कितना है एक्स, ठीक है, यही अपने को। आप लिखांगे इन ए बी सी डी, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, जो ए बी है वो सी डी दे की है पैरेलल, ए साइड दे पैरेलल है। सो आप लिखांगे एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। केड़े एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। सो ए दी वैल्यू 56, डी दी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू की आ गया 100
80, ओके, ए दी वैल्यू 56 है, डी दी वैल्यू एक्स है, सो 56 राइट साइड से लेके जाओ, सो एक्स कितना आ गया 180 माइनस 56, सो माइनस करके कितना आ गया 124, ओके, तो एक्स दी वैल्यू कितनी आ गई मेरे को 124 डिग्री। प्रॉपर्टी केड़ी, अगेन को इंटीरियर एंगल्स, ओके। उस तो बाद अपने को लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, सौखा जहा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की एक ट्रेपीजियम गिवन है, कुछ इस तरह की शेप विच है, नेम दे दो ए बी सी एंड डी, ए एंगल अपने को एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 63 डिग्री। सो आप इन कर दिया स्टार्ट, क्वेश्चन लिखा गया कि आप एन ए बी सी डी, जो ए बी पैरल कहते हैं सी डी दे, जो ए बी लाइन है सी डी दे की है पैरल, दैट मीनस ए अपने को पैरल लाइन है, ए अपने को की आ गई ट्रांसवर्सल। सो आप की लिखांगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन अगेन बेटा, रीजन लिखना जरूरी है, क्योंकि जो रीजन नहीं दसोगे तो तुम्हें तो प्रॉपर मार्क्स, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दैट इज को इंटीरियर एंगल्स, केड़े एंगल्स आ गए अपने को इंटीरियर एंगल। सो बी की वैल्यू कितनी है 63 एंड सी की वैल्यू कितनी है अपने को एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही आएगा अपने को। जो 63 लेफ्ट से पॉजिटिव है, राइट साइड से जाके नेगेटिव, ये आप कितने पढ़ा सीगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे विच, ओके। सो आप की लिखांगे एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 63, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 117 डिग्री, ओके। तो ये सी अपने को चार पार्ट, नाइन्थ क्वेश्चन के चार पार्ट आप चारे कवर किए, अपनी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आप स्टार्ट करांगे एक्सरसाइज 12.3। थैंक यू वेरी मच।